guys, it's Mansi and welcome back to my channel. So I'm back with another haul video. और ये वाला haul video होने वाला है, ये बहुत interesting होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने जो item purchase किए हैं, वो मैंने item purchase किए हैं, 4 items इसमें purchase किए हैं मैंने, जिसमें 2 dresses हैं, एक top है और एक top और एक bottom side भी मैंने purchase किया है इस बार, जो बहुत ज़्यादा trend में है, वही इसमें item मैंने purchase किया है. तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना. एंड या वीडियो प्लीज गिव द थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो हिट द बेल आइकन सो नेवर मिस एनी अपडेट. सो लेट्स गेट इन द वीडियो. सो ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 4 आइटम इंक्लूड किए हैं इसमें और मैंने सारे ही ब्लैक में परचेस किए हैं, सारे ऑलमोस्ट इसमें ब्लैक ही हैं. ऑलमोस्ट नहीं, मतलब सारी ब्लैक है इसमें, और बस इसमें एक ब्लैक मैंने शर्ट परचेस की है जिसमें थोड़ा सा ग्रे लुक भी है, बट सारा मैंने देख सकते हैं आप स्टफ जो मैंने परचेस किया है जरा ब्लैक में ही है. देखो सारे आइटम ब्लैक में ही है. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो मैंने आइटम जो परचेस किया है, वो मैंने परचेस किया है मेरे बर्थडे पर्पज से. ठीक है, तो इसमें मैंने परचेस किया एक ड्रेस, और मीशो से जो ये ड्रेस आई है, ये बहुत ऑसम ड्रेस आई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ. तो पिक्चर आपको दिख जाएगी स्क्रीन पे. और ये कुछ 2 सेट्स में है. ठीक है, एक इसका टॉप है और एक इसकी स्कर्ट है. तो पहले हम देखते हैं टॉप. पहले हम टॉप, तो टॉप का जो फैब्रिक है, आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा फैब्रिक है. ये प्रॉपर है सैटिन टॉप. ठीक है, आप देख सकते हैं डबल लेयर इसमें टॉप में है. एंड जो दिख गया होगा ये किस फैब्रिक में है, ये है सैटिन, प्रॉपर सैटिन है और बहुत अच्छी क्वालिटी वाला इसमें सैटिन यूज हुआ है. कोई भी वो सस्ता वाला नहीं हुआ है. ये वाला जो बहुत शाइनी करता है ना सैटिन, ये बहुत अच्छी वाली क्वालिटी का यूज होता है. सो हम इसमें देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा ये कुछ इस तरह से. ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से आपको आएगा, पिक्चर आपको दिख जाएगी. और ट्राई ऑन मैंने दिखाया है ये किस तरह से लग रहा है. तो ये कुछ इस तरह से फ्रंट में सिर्फ आपको ये इस तरह से मिलेगा, एंड बैक में पूरा बैकलेस है और ये क्रिस क्रॉस टाइप में मिलेगा. ठीक है, कुछ इस तरह के पैटर्न में देख सकते हैं आएगा, और आप इसे टाइप कर सकते हैं. बहुत ही सेक्सी लुक आ रहा है और प्रॉपर पार्टी वियर लुक है ये, और आप इसे कहीं भी पहन सकते हैं. अगर आप किसी की पार्टी में जा रहे हैं या फिर कैसे भी, आप इसके सिर्फ ये वाला टॉप भी आप वेयर कर सकते हैं किसी भी जैगिंग पे या फिर जीन्स पे या पैंट्स पे, किसी पे भी आप इसे वेयर कर सकते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है. तो फर्स्ट जो इसका आइटम था वो ये था. तो बात करते हैं सेकंड इसकी स्कर्ट की. तो इसकी स्कर्ट आपको कुछ इस तरह से दिखेगी. ये लेसअप वाली स्कर्ट है जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं दोनों साइड से इसमें आप लेसअप, इसमें जो लेस वाला जो ये दे रखा है, इसको आप टाइप करके लिफ्ट अप करके इसको अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हैं. आप इसे एक साइड से भी कर सकते हैं, आप इसे दोनों साइड से भी कर सकते हैं. ओके, सो इसमें जो मेरा साइज था वो एक्स्ट्रा स्मॉल था, और इसके बाद भी जब मैंने इसको मंगवाया तो ये मुझे स्कर्ट बहुत लूज आई थी. आप देखेंगे तो साइड में आपको यहाँ पर स्टिचिंग दिखेगी अलग से दोनों साइड में, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने कल खुद ने की है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इसको साइड से भी स्टिच नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें अगर मैं साइड से स्टिच करती हूँ तो इसमें ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो ये ड्रेस पूरी खराब हो जाएगी. तो मैंने क्या किया है, मैंने देख सकते हैं आप अंदर से, मैंने इसको ट्रायंगल में इसको यहाँ से स्टिच किया, आपको दिख रहा होगा ये पार्ट अलग ही, देख सकते हैं दोनों साइड से किया है, एक साइड से नहीं किया है, क्योंकि एक साइड से करेंगे तो एक साइड से ज्यादा हो जाएगा और एक साइड से कम हो जाएगा. तो ठीक है, ये मैंने किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. अगर आपको नहीं आती है स्टिचिंग इतनी, तो आप किसी भी मम्मा से करवा सकते हैं, बाहर से करवा सकते हैं. तो इसमें देखते हैं, हमें इसमें मिल जाती है चेन. चेन ज्यादा लॉन्ग में नहीं है, मीडियम इसकी चेन है, आप देख सकते हैं. चेन खोल के आराम से आप इसको वेयर कर सकते हैं. ठीक है, इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा है. मुझे नहीं पता इसमें ये एक अलग से बेल्ट सी यूज हो रही है, ये इलास्टिक भी नहीं है, बट ये कुछ बेल्ट सी है जो आप फिट करवाएंगे उसके बाद ही आपको प्रॉपर आने वाली है. मुझे प्रॉपर फिट आई है जब मैंने इसको स्ट्रिच किया, उसके बाद तो मुझे प्रॉपर फिट आई है ये. और इतना प्यारा इसका लुक आ रहा है, सीरियसली मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा प्यारा इसका लुक आ रहा है. तो आप देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, और ये दोनों पैर इतने अच्छे आए हैं, मुझे नहीं लगा था ये वाले मतलब सेम ही आएंगे. और इसका कॉस्ट था 800 समथिंग कुछ इसका कॉस्ट था, तो आप देख सकते हैं. और इसका जो ये वाला पैटर्न है ना लिफ्ट अप वाला, ये बहुत ज्यादा ऑसम है, लाइक बहुत प्यारा लग रहा है. और आपको ये सेंटर से और बैक से बिल्कुल नॉर्मल मिल जाती है, ये देख सकते हैं आप, स्कर्ट पूरी नॉर्मल है और कुछ कर्व में ऐसे इसका लुक आने वाला है. आप एक साइड से भी कर सकते हैं, आप दोनों साइड से भी कर सकते हैं, ये आप पे है. सो मैंने जो फर्स्ट प्रोडक्ट परचेज किया था, मैंने ये परचेज किया था और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. तो बात करते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की. तो सेकेंड प्रोडक्ट भी आपने बहुत देखा होगा, और इसी की सिमिलर मैंने एक टॉप भी वेयर किया था, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा छोटा आया था, इस वजह से मैंने उसका वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है. सो मैंने उसको वापस से रिटर्न करके मंगवाया है, तो मैं ज़रूर उसका लिंक डालूंगी. तो ये वाला टॉप आपने देखा होगा, ये वाला कोरियन टॉप में ही इंक्लूड है.
ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऑफ शोल्डर टॉप है प्रॉपर, और ये आपको मिल जाता है पूरा सेटिन में। देख सकते हैं आप, एक तो ये सेटिन देख सकते हैं और आप एक ये वाला सेटिन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों सेटिन ही है और कितना ज्यादा फर्क है इनमें, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में। तो बात करते हैं इसकी, तो ये आपको फ्रंट से कुछ इस तरह से मिल जाता है। इसमें आपको प्रॉपर पैडेड मिलते हैं और ये जो पैडेड मिलते हैं ये बहुत ज्यादा स्मॉल है, छोटे छोटे से पैडेड है। तो आप कोई भी इसमें स्ट्रेपलेस पहन सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको ट्रांसपेरेंट पहनी है तो आप ट्रांसपेरेंट भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसका लुक आने वाला है। आप अगर इसको ऑफ शोल्डर में पहनना चाहते हैं ऑफ शोल्डर में पहन सकते हैं, अगर आपको इसको ऐसे थोड़ा सा स्लीव वाला पहनना है तो आप बलून स्लीव करके इसको पहन सकते हैं। तो फर्स्ट फ्रंट में आपको दिख जाते हैं ये पैडेड, और इसके नीचे जो आपको ये दिखते हैं ये मोती मोती से डायमंड से, ये बहुत ही चीप वाला लुक दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा चीप वाला। ये सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है लेकिन पहनने के बाद इतना कुछ खास लग नहीं रहा, मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो आपको जो इसकी स्लीव्स मिल जाती है वो फुल स्लीव्स मिल जाती हैं, और ये सेटिन में है और इधर कोई रबर नहीं है इसमें। आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है जिससे आप इसे ऐसे क्लोज करके पहन सकते हैं, तो पूरा एक अच्छा लुक आने वाला है। और इसमें जो इसकी स्लीव्स है इसमें इलास्टिक यूज हुआ है, जिससे क्या है कि आपको ये प्रॉपर यहाँ से बलून वाली आने वाली है, और अगर आप ऑफ शोल्डर भी रखते हैं तो वो बलून वाला लुक आने वाला है। तो फ्रंट से ये कुछ इस तरह से, एंड बैक से अगर हम देखेंगे तो बैक से आपको इसमें इलास्टिक मिलेगा जिससे ये आपको प्रॉपर फिट आए। मेरा साइज, मैंने पहले एक्स्ट्रा स्मॉल लिया था जो बहुत ज्यादा फिट आ गया था, तो मैंने जो दूसरा टॉप मंगवाया इसमें मैंने स्मॉल मंगवाया है, तो इस वजह से ये मुझे अब ठीक आया है, बट इसके कप्स जो है वो अभी भी फिलहाल छोटे हैं, ठीक है। और फ्रंट में आपको बहुत अच्छा सा लुक दिख रहा है, पहनने पे भी ठीक है, ओके ओके है, लेकिन जो मैंने मरून वाला टॉप पहना था वो वाला बहुत ज्यादा अच्छा था इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसकी जो थ्रेड्स है आप देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग इतनी कुछ खास नहीं हुई है, और उसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी थी और लुकिंग वाइज भी बहुत ज्यादा प्यारा था, और इसका जो लुक आ रहा है वो भी अच्छा आ रहा है, और स्लीव्स वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप किसी भी तरह से पहन सकते हैं अगर आपको ये बहुत अच्छा लगता है तो। तो ये वाला मेरा सेकंड टॉप था और इतना कुछ खास नहीं लगा, बट आप ट्राई ऑन देख सकते हैं कि किस तरह से इसका लुक आ रहा है और कैसा ये मुझ पर लग रहा है, या फिर मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं, बट आप देख सकते हैं किस तरह से लगने वाला है। आपको ये दिख जाएगा जब आपके पास आएगा, तो इसकी देखिए यहाँ से पूरा ये हटा हुआ है, इसके स्टोन्स हट रहे हैं। तो ये वाला अगर आप ना परचेज करें और वो मरून वाला टॉप परचेज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो सेकंड टॉप मैंने ये परचेज किया था, तो आप मुझे जरूर बताना वो कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। तो बात करते हैं थर्ड प्रोडक्ट की, तो थर्ड प्रोडक्ट आपने जरूर 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 देखा होगा, क्योंकि ये वाली पिक्चर आपको दिख गई होगी, एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे आपको पिक्चर। तो इसमें आपको मिलते हैं, एक तो मिलती है आपको ड्रेस और उसके ऊपर मिलती है आपको एक श्रग, श्रग आपको जो मिलती है वो मिलती है प्रॉपर शर्ट वाइज, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी ड्रेस की, बहुत ही गंदा मटेरियल है, मत परचेज करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये वाला फैब्रिक है ये सेटिन में है और बहुत ज्यादा सी थ्रू होने वाला है, लाइक बहुत ज्यादा सी थ्रू होने वाला है। आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें एक ही फैब्रिक यूज हुआ है, डबल कोटिंग नहीं हुई है, और इसकी जो स्ट्रैप्स है ये एडजस्टेबल है तो वो ओके है। और ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाया तो ये कुर्ती टाइप में आया है, देख सकते हैं, ये कोई ड्रेस नहीं है। ये जो हम कुर्ती पहनते हैं उसके नीचे की जो इनर होती है ये मुझे उस तरह की लग रही है, और ये ज्यादा लॉन्ग में भी नहीं है, और एक्स्ट्रा स्मॉल मैंने ये मंगवाया है, ठीक है। कोई फिटिंग वाइज नहीं है, कोई मतलब ड्रेस वाला इसका लुक नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही गंदा मटेरियल आया है इसका, इसका मिला है मुझे। और अगर आप 800 रुपीज इसके दे रहे हैं तो प्लीज इसको मत परचेज कीजिए, क्योंकि इसका जो अंदर का ही फैब्रिक इतना खराब आ रहा है, तो बाहर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि शर्ट श्रग जो भी हमने परचेज किया वो कैसी आई है कैसी नहीं आई है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक बार फिर भी आपको लगता है कि ये वाला जो लुक इसका अच्छा आ रहा है, जब फैब्रिक ही अच्छा नहीं है तो लुक भी क्या ही अच्छा आएगा। तो इसका जो फैब्रिक है बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल एक ही इसमें यूज हुआ है, डबल कोटिंग भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये आप देख सकते हैं, देखो ये कुछ इतना सा है, इसकी लेंथ भी देख सकते हैं, ज्यादा लॉन्ग में भी नहीं है, और मतलब ऐसा है कि कुर्ता टाइप में है, और ड्रेस में लास्ट में ऐसा कहाँ होता है, ऐसे कट कहाँ दिए होते हैं, कोई फिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल एक इनर जो मुझे मिली है, और ये मुझे बहुत गंदी लग रही है, सीरियसली इतनी गंदी मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि ये ड्रेस आएगी जो मैंने अभी मंगवाई है, वो सारी ड्रेस बहुत अच्छी अच्छी मैंने मंगवाई है, तो मुझे लगा था ये वाली ड्रेस भी बहुत अच्छी आएगी, बट ये वाली बहुत गंदी आई है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी शर्ट की, तो अगर मैं इसकी शर्ट की बात करूं तो इसकी शर्ट बहुत ऑसम है। एक तो आप इसका कलर ही देख लो कितना प्यारा है, ग्रे एंड ब्लैक में जो इसका शेड है बहुत ऑसम है, और प्रॉपर ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्रॉप टॉप के ऊपर अगर आप ये सिंगल वेयर करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी
ठीक है, बट इसको खरीदना वेस्ट ही है क्योंकि इसके अंदर का इनर तो इतना गंदा आया है, बट ये शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी तो इस वजह से ये वाला तो मैंने रखा ही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्या है ये क्या नहीं है, बट मैं इसके ऊपर कुछ भी वेयर कर लूंगी, पर मुझे ये शर्ट इतनी ज्यादा अच्छी लगी है ना, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट है और बहुत ज्यादा लूज में आई है ये एक्स्ट्रा स्मॉल होने के बाद भी। आप देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल इसका साइज है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो एक्स्ट्रा स्मॉल में है, और जो इसका लुक आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। किसी भी व्हाइट ब्लैक जो भी आप क्रॉप टॉप पहनना चाहे उसके ऊपर आप वेयर करेंगे ना, ये लूज वाली बहुत अच्छी लगने वाली है, मतलब फोल्ड करके और आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा इसका लुक आने वाला है। तो इस वजह से मैंने ये वाला रखा है, वरना मैं इसको बिल्कुल नहीं रखती, बस इसकी शर्ट की वजह से मुझे ये इतना अच्छा लगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसके कमेंट्स देख लिए थे, इसके नीचे जो रिव्यूज थे मैंने देख लिए थे, बट मैंने ये वाला इसलिए परचेज किया क्योंकि मुझे इसकी शर्ट बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, तो मुझे शर्ट अभी भी बहुत अच्छी लगी, तो ये वाला तो मैं जरूर रखने वाली हूँ। अगर फिर भी होता है रिटर्न तो मैं इसको जरूर कर देती, बट नहीं हो सकता। तो थर्ड प्रोडक्ट मेरा ये था, मुझे जरूर बताना कैसा लगा आपको, कैसा नहीं लगा, वेयर करने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे। ठीक है, तो लास्ट एंड फाइनल जो मैंने परचेज किया है टॉप एंड बॉटम सेट, जो इस टाइम बहुत ट्रेंड में है और इसके बहुत सारे कलर ऑप्शन आए। मुझे लगा था मैंने ग्रे परचेज किया, बट मैंने तो ब्लैक परचेज किया है। मुझे अब जब ये रिसीव हुआ तो मुझे याद आया कि मैंने ये ब्लैक में परचेज किया है, बट कोई नहीं, बहुत अच्छा है। इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे तो इसका जो टॉप है बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है। साइज इसे मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल है, ठीक है, और आपको स्लीव्स मिल जाती है, ये थोड़ी सी लूज मिलती है, बट ये जो फैब्रिक है ना ये बहुत स्ट्रेचेबल है और बहुत अच्छा मुझे परफेक्टली फिट आया है। ठीक है, और आप देखेंगे तो ये प्रॉपर क्रॉप में है और बहुत क्यूट सी ये टी शर्ट टॉप सा लग रहा है फुल वाला। ठीक है, और ज्यादा डीप इसका नेक नहीं है, मीडियम नेक है, मीडियम नेक है इसका, और बहुत अच्छे से स्टिचिंग किया हुआ है, बहुत ही अच्छा, और इसमें कॉटन फैब्रिक बताया हुआ है, कॉटन प्लस स्ट्रेचेबल भी है ये, बहुत देख सकते हैं कितना स्ट्रेचेबल है। आप अगर आपका साइज स्मॉल है तो आप एक्स स्मॉल लेना, और अगर आपका साइज मीडियम है तो आप स्मॉल लेना, क्योंकि ये फिट आएगा तभी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके साथ का जो इसके पैंट्स आए हैं वो आए हैं लेयर वाले, और वो अगर थोड़ा भी लूज आया तो वो अच्छा नहीं लगने वाला है, तो इस पर्पज से मैंने ये एक्स स्मॉल में मंगवाया है, और सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है। आपके पास अगर कोई ऑप्शन हो दूसरा कलर चेंज करने की तो जरूर करना, क्योंकि मैंने तो ब्लैक परचेज कर लिया ये, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब सिंपल सोवर सा और बहुत अच्छा सा इसका लुक आ रहा है। तो इसकी जो इनर है, जो इसका ये टॉप है, आप देख सकते हैं कुछ ब्लैक कलर में है और बिल्कुल सिंपल सा है, और देख सकते हैं आप इसकी स्लीव्स भी बहुत बड़ी है, बहुत लॉन्ग में इसकी स्लीव्स है, बट थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा लूज है बस। तो फर्स्ट इसका जो पेयर था वो ये था, तो सेकंड हम बात करेंगे इसकी पैंट्स की। तो सेम फैब्रिक है कॉटन, और आपको यहाँ पर इलास्टिक मिल जाता है, और इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, सीरियसली बहुत ज्यादा इसकी लेंथ है, हाई वेस्टेड है, प्रॉपर आपको आने वाला है, और फ्लेयर में है तो बहुत सेक्सी लुक आने वाला है, क्योंकि आपको थाई से ये बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है और लेग से ये थोड़ा सा ओपन होने वाला है, तो इसका लुक बहुत ऑसम आने वाला है, और फिटिंग वाइज बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई जिप कोई चेन कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको इसमें इलास्टिक मिलता है, पूरा फैब्रिक आपको स्ट्रेचेबल मिलता है, कोई स्टिचिंग ऐसा नहीं है कि कहीं से ये खराब हो रहा है या कुछ नहीं, डिफेक्टेड पीस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ऑसम लगने वाला है, ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छा है ये वाला, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और ये लगने वाला भी बहुत अच्छा है। तो इसमें कलर ऑप्शंस आपको पिंक मिल जाते हैं, ग्रे मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, बहुत सारे कलर ऑप्शंस है इसमें, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, मैंने ब्लैक चूज कर लिया, और आप देख सकते हैं ये किस तरह से लग रहा है, ट्राई ऑन भी आपको दिख गया है, और ये सारा मैंने स्टफ इस बार परचेज किया था जो सारा मोस्टली ब्लैक में ही है। तो मुझे जरूर बताना आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।